मोहम्मद रियाज अंसारी और महादेव भाई, हेलो, सभी को नमस्कार। आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सर, क्लास स्टार्ट नहीं हुआ? हो गया है बेटा, हो गया, क्लास स्टार्ट हो गया है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और मैं सुभिजीत सिंह आपका रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। मैं मेरे बारे में आप लोगों को बता देता हूं। पूजा कंवर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं पिछले 5 साल में देश के विभिन्न शहरों में 30,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, और मैंने खुद भी SSC, CGL, CPO, IBPS, PO, IBPS, क्लर्क और LIC EDO के एग्जाम्स को मैं क्वालिफाई कर चुका हूं। तो रीजनिंग में मैंने क्या पढ़ा था, कैसे मैंने तैयारी की थी, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। कैसे मैंने रीजनिंग में 100% मार्क्स अटेन किए थे, 50 में से 50 मेरे SSC CGL 2016 में आए थे, 50 में से 50 मेरे SSC CGL 2015 में आए थे, दोनों में, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। एक मिनट में ये इंक वगैरह का सिस्टम कर लेता हूं सारा, ठीक। देखो, बात करें SSC एग्जाम की, डिफेंस एग्जाम की बात करूं, बैंकिंग के एग्जाम की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करूंगा बेटा, बात करेंगे हम रीजनिंग की, बात करेंगे हम रीजनिंग की। और रीजनिंग का जो पार्ट होगा मेरे भाई, रीजनिंग के पार्ट को हम करेंगे SSC के क्वेश्चन जो करने होंगे, तो 25 क्वेश्चन जो आते हैं, और यहाँ पर हम डेली एक एग्जाम करते हैं और 25 के 25 क्वेश्चन को हम करते हैं। 8 से 10 मिनट आपकी टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम 100% एक्यूरेसी आपकी हो। बात करूं अगर मैं NTPC की, बात करें बेटा अगर NTPC की, मेरे भाई, तो NTPC के जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 के 30 क्वेश्चन को हम करेंगे भाई 10 से 12 मिनट में, और एक्यूरेसी हमारी क्या होगी, 100% एक्यूरेसी के साथ हम इन चीजों को कवर करेंगे। अनअकैडमी के ऊपर सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है आपको, अनअकैडमी को जब आप ज्वाइन करते हैं तो बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलती है। आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, आप में आंसर्स दे सकते हैं जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं उनका। बात करूं स्ट्रक्चर्ड कोर्स की, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल एक प्लान वे में हम पूरे कोर्स को लेके जाते हैं कि कब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मॉक टेस्ट की अगर लाइव टेस्ट की बात करूं तो बेटा अनअकैडमी के ऊपर आप मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे वो आप दे दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा स्पीड होगी बेटा उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा कर पाएंगे, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाएंगे और एक्यूरेसी आपकी सही रहेगी तो बेटा आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। बात करें अनलिमिटेड एक्सेस, सबसे बड़ा फायदा मुझे जो अनअकैडमी के ऊपर दिखाई देता है, सबसे बड़ा फायदा। और सेशन को एक बार लाइक और शेयर करवा दीजिए भाई, सभी बच्चे सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे जिससे और बच्चे यहां पर जुड़ जाएं, ठीक है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप एक बार लाइव कोर्स ले लेते हैं अनअकैडमी का, मान लीजिए आपने 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए आपने इसको ज्वाइन कर लिया है, तो बेटा लाइव क्लास तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपको जो क्लास दोबारा देखना चाहते हैं तो जिस टीचर की आपने क्लास देखी थी, जिस एजुकेटर की आपने क्लास थी, तो उसका रिकॉर्डेड कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, यहां पर होती है भाई अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर मेरी स्पेशल क्लासेज, मेरी स्पेशल क्लासेज आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। दूसरी चीज यहां पर होता है भाई फ्री स्पेशल फ्री कोर्स, और फ्री कोर्स में आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की फ्री वीडियोज मिल जाएंगी जो आपको यूजफुल रहेंगे बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए। फिर आता है बेटा प्लस कोर्स, प्लस कोर्स पे आप एक ही फीस में आप सभी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, GS के लिए, इंग्लिश के लिए, सारी चीजों के लिए आप एक ही फीस में कवर कर सकते हैं। SSC एनग्रेव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी का, और एक और चैनल मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेट्स क्रैक SSC एग्जाम्स, इस चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर क्लासेज की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा।
बात करें बेटा सब्सक्रिप्शन की, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन, बहुत जल्द इसकी फीस इंक्रीज होने वाली है, 50% से ज्यादा की फीस बढ़ जाएगी। 1200 रुपये की कोर्स आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 3000 रुपये में, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बेटा 4800 रुपये में मिलेगा। 12 महीने या 1 ईयर की मैं बात करूं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 6000 रुपये में, 24 महीने या 2 ईयर की मैं बात करूं तो बेटा ये कोर्स मिल जाएगा 7200 रुपये में। लेकिन अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं SPSUBS10 या SUBS10, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% का डिस्काउंट तो अनअकैडमी देगी और 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मैं दिलवाऊंगा। कैसे आपको 20% का डिस्काउंट पाना है मेरे भाई, तो आप एक बार मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स आपका हो जाएगा 6480 रुपये में और 1 साल का कोर्स हो जाएगा आपका बेटा 5400 रुपये में। बेटा एसएससी वाले में होती है पूजा कवर, मेरी क्लास एसएससी वाले में होती है। आप एसएससी को सिलेक्ट करेंगे, स्पेशल कोर्स में जाएंगे, स्पेशल क्लासेस होती है बेटा मेरी, वो भी फ्री रहेंगी, ठीक है। फ्री कोर्स मेरा चलता नहीं है, ओनली प्लस पे चलते हैं, लेकिन मेरी कुछ क्लासेस स्पेशल होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को, और अगला पेपर मैं लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चंस तक ले जाता हूं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, सभी बच्चों का आंसर यहां पर आना चाहिए। 100 क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं, 100 से आगे आज करेंगे, और जो अपना जो एग्जाम चलता है बेटा ये रेलवे NTPC ग्रुप डी, रेलवे NTPC ग्रुप डी और रेलवे के जो भी एग्जाम चलते हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट के, JEE के, सबके लिए होगा, SSC CGL के लिए, CPO CHSL SSC JEE इवन SSC MTS जिसमें भी रीजनिंग का पार्ट आता है, HSSC के लिए, CDS के लिए, एयर फोर्स और नेवी के लिए। और एक बार सेशन को शेयर कर दो जिससे और बच्चे यहां पर जुड़ जाएं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आज देने वाला हूं, CTET के लिए, HTET के लिए, REET के लिए, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं सबको यहां पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे करके दिखाएंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, यहां पर टेलीविजन आएगा भाई, टीवी लिख देता हूं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 2 आंसर मेरे पास अभी तक आए हैं। मीरा कुमारी का और HB म्यूजिक स्टार का, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक हैं, दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक हैं। इस क्वेश्चन पे तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए नहीं। पूजा का भी आंसर आ गया, देखिए टेलीफोन का संबंध किससे बता दिया बेटा, मोबाइल से। टेलीफोन का किससे बता दिया, मतलब ये होता था लैंडलाइन में जब उसको बोलते थे टेलीफोन, और अब आ गए भाई मोबाइल का जमाना। तो भाई कंप्यूटर भी क्या होता था, एक जगह रखा रहता था, लेकिन अब आ गया भाई किसका जमाना, लैपटॉप का जमाना, ठीक है। आंसर आ जाएगा लैपटॉप, ये वाला और करके दिखाओ फिर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे लेकिन उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करने को मिलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब बच्चे लगाने लग गए हैं दिमाग कि टाइम कैसे बचाना है। बहुत अच्छे बेटा, मीरा कुमारी, HB म्यूजिक स्टार, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि टाइम कैसे बचाना है, आ गई बात समझ। मैं साथ की साथ ही इसको कैसे करूंगा, देखो V से किससे गया भाई, V से कहां पे गया, W पे गया 22 पे, और ये कितने पे आ गया, 23 पे आ गया। +1 किया मैंने,
तो सी कितने पे था भाई, तीन पे था, और तीन से मैं आगे लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा, प्लस वन करूंगा तो यहां पर चार आएगा, और चार पे की क्या आएगा, डी आएगा। और सबसे पहला ही ऑप्शन जिसमें केवल एक ही ऑप्शन था, जिसमें पहले डिजिट पे क्या रखा था, पहले नंबर पे क्या रखा था मेरे भाई, डी रखा था, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मेरा 102 का ए। ये करके दिखाओ, और एक खुशखबरी सभी बच्चों के लिए, पहले ये वाला करके दिखाओ, और बच्चे जो जुड़ जाते हैं फिर मैं बताऊंगा कि खुशखबरी आज क्या है। रेल आएगा, मीरा कुमारी का भी आंसर बिल्कुल सही, एचबी म्यूजिक स्टार का भी बिल्कुल सही आंसर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है, बिल्कुल। बस किस पे चलती है बेटा, रोड पे चलती है, और ट्रेन कहाँ चलती है बेटा, पटरी के ऊपर चलेगी ट्रेन, तो आंसर आ जाएगा रेल। ये वाला करके दिखाओ, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, और सेशन को लाइक और शेयर कर दो एक बार, और बच्चे यहां पर जुड़ जाएं, बहुत अच्छे। खुशखबरी बताऊंगा बेटा जब यहां पर बच्चे 20-30 लाइव हो जाएंगे, तब खुशखबरी आप लोगों को बताऊंगा। अनोज कुमार का आंसर आ गया है ए ए ए ए ए, लेकिन बेटा आंसर देखेंगे क्या आएगा, आंसर तो देखेंगे क्या आएगा इसका, मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं भी एज इट इज, क्योंकि सारा दिन क्लासेज में बिजी रहता हूं, तो टाइपिस्ट से उठा के लाता हूं, बस उसको मैं पेपर दे आता हूं कि ये वाला टाइप कर देना, आंसर से मैं देख नहीं पाता हूं। डी आ गया है, महादेव चरण का ए आ गया है, पूजा कंवर का भी ए आ गया है बेटा। यहां पर आप गड़बड़ कर रहे हैं, यहां पर आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखो प्रिंटिंग को इसने क्या लिख दिया बेटा, RPNIITGN, मतलब क्या किया भाई, दो का एक बार देख लो इसने लॉजिक क्या लगाया है, दो 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 लेटर्स को उठाता रहा और उनको आपस में इंटरचेंज करता रहा, आर और पी आ गया, देखो आर पी आ जाएगा, आई एन का क्या आ जाएगा, एन आई आ जाएगा, टी आई का क्या आ जाएगा, आई टी आ जाएगा, एन जी का क्या आ जाएगा, जी और एन आ जाएगा। वैसे ही मैं क्या करूंगा भाई, पी आर का क्या कर दूंगा, आर पी कर दूंगा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल। अब देखूंगा ओ एल, और यहां पर आ जाएगा बेटा, अगर मैं देखूं स्टार्टिंग वाला देखा तो आरपी आरपी, अब मैं पीछे की तरफ जाके देखता हूं कि शायद मुझे जल्दी करने में हेल्प मिल जाए, यहां था ओएल तो बेटा लास्ट में क्या आएगा, एलओरो, यहां पर एलओरो नहीं है, तो बेटा आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आएगा आंसर बेटा, जिसने भी ये दिया था ध्यान दें, आंसर आ जाएगा मेरा डी, ठीक है, आ गई बात समझ, आंसर आ जाएगा मेरा डी, ये वाली बात समझ में आ गई तो आगे चलता हूं। ये वाला करके दिखा दो भाई, आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का डी डी डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बॉक्सिंग, कराटे, रेसलिंग और लॉन्ग जंप, और इसमें करना क्या है भाई, मुझे ओड वर्ड या ओड लेटर या ओड नंबर, मतलब ओड वर्ड मुझे ढूंढना है। तो बॉक्सिंग भाई कितने बंदों के बीच में होगी, दो बंदों के, रेसलिंग भी कितने बंदों के बीच में, दो के, कराटे के लिए भी खेलने के लिए दो चाहिए, लॉन्ग जंप तो बेटा अकेला आदमी ही करेगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा। लॉजिक भी साथ में देखा करो क्या लगा, ये करके दिखाओ।
सी टी एस दे दिया है, मीरा कुमारी ने ए दे दिया है, नितेश यादव ने आंसर सी दे दिया है, और बच्चों का भी आंसर यहां पर आना चाहिए। अनोज कुमार ने भी सी दिया है, विजय कुमार ने बी दिया, एच बी म्यूजिक स्टार ने आंसर दिया है डी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और इसका आंसर अभी निकाल के देखता हूं। देखो आर कितने पे है, एक एक चीज को उठा दूंगा भाई। यहां पर रीजनिंग को ऐसा बना देंगे कि मत, बस रीजनिंग ऐसा हथियार हो जाएगा जो आपको जॉब दिला देगा। आर कितने पे, 18 पे, ये 7 पे, ये 20 पे, और ये कितने पे, 6 पे। एम कितने पे, 13 पे, एल 12 पे, ओ 15 पे, और के कितने पे, 11 पे। मुझे यहां से कंसेप्ट समझ में आया, 18 से 20 पे गया, मतलब आर जी टी एफ था, यहां पर 18 था और ये 20 था। 18 से कितने पे गया, +2 किया, मतलब एक डिजिट छोड़ गए, और ये 7 से 6 पे गया, मतलब -1 किया। अब ये लॉजिक मैं लगा के देखता हूं, 13 से 15 पे गया +2 आएगा, और 12 से 11 पे गया -1, बिल्कुल सही है। ये 3 और ये 5 है, तो 3 से 5 पे गया, और 20 से किस कौन से पे आ गया, 19 पे आ गया बेटा। तो सी तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा, सी तो मेरा ऑप्शन नहीं आएगा, और ए भी नहीं आएगा। डी को करता हूं, ये कितने पे भाई, 22 पे, ये 4 पे, ये 26 पे, और ये 3 पे। 4 से 3 पे तो आ गया, लेकिन 22 से 26 पे, मतलब +4 कर रहा है, और बाकी में क्या था बेटा, सभी में +2 कर रहा था। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा ये, मुश्किल एक भी क्वेश्चन नहीं है। बस आप लोगों की, आप लोग उसको कैसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है उस क्वेश्चन को देखने का, बस बात वही है। ये वाला करके दिखाओ, आंसर डी आ गया है। अनोज कुमार का आंसर डी आ गया है। विजय मीना का आंसर डी, अनोज कुमार का भी डी। देखो ये क्या कह रहा है भाई, 9 1 by 11, 7 9 by 13, 5 15 by 17, और 5 6 by 19। अब इसने बोला कि सर ओड नंबर लेटर या वर्ड जो भी मिले इसको मैं करके देखता हूं, 11 गुना 9 99, ये कितना आ जाएगा, 100/11 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 13 7 91, और 9 बेटा ये भी क्या आ जाएगा, 100/13 आ जाएगा। 17 5 85 और 15, 100/17 आ जाएगा, और ये कितना, 19 5 95 और 6, 101/19। तो बेटा ये क्या आ गया, ओड आ गया, सब में ऊपर क्या था, 100 था, सब में ऊपर 100 था। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, डी। आ गई बात समझ, बहुत अच्छे भाई। ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। ये आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए। डी आ गया है, विजय मीना का आंसर डी आया है।
अनोज कुमार का भी आंसर डी आ गया है, बहुत अच्छे। अभी देखते हैं भाई क्या होगा इसका आंसर। महादेव का भी आंसर डी आ गया है। अच्छा मुझे लॉजिक बताओ, आपने इसमें लॉजिक क्या लगाया है, लॉजिक इसमें क्या लगाया है? अभिषेक पांडे हेलो भाई हेलो, लॉजिक इसमें क्या लगाया है बताइए मुझे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, लॉजिक लगाइए इसमें, आपने क्या लगाया है? परसेंटेज नहीं जा रहा, परसेंटेज नहीं जा रहा भाई। अच्छा डिवाइड नहीं जा रहा, डिवाइड प्राइम नंबर का लॉजिक लगेगा। देखो भाई 25 और 55, 33 और 48, 36 और 44, ये सारे क्या है बेटा? प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन 19 और 61 क्या है बेटा? ये एक प्राइम नंबर है, ये ना तो 19 और 1 से अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 61 भी, 1 और 61 के अलावा प्राइम नंबर क्या होता है भाई? देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसा नंबर जो 1 से, 1 से और खुद से, 1 से और खुद से ही डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। जो 1 से और खुद से ही डिवाइड होगा वो कहलाएगा प्राइम नंबर। आ गई बात समझ? ठीक है आगे वाला चलता हूं भाई, ध्यान दे देना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है प्राइम नंबर के ऊपर, आपको सीरीज में भी क्वेश्चन मिल सकता है। ये वाला करके दिखाओ, और सेशन को लाइक और शेयर कर दो एक बार दबा के, कि और बच्चे यहां पर जुड़ जाएं। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के भाई। अनिल सिंह क्या कह रहे हो भाई? 5 एंड 5, आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। ए आ गया है, किसका आया है ये? क्रूसेड किसने दिया है? संबित दास। 2 आ गया है, विजय मीना का आंसर डी आ गया है, अभिषेक पांडे का ए, मीरा कुमारी का सी, राहुल कुमार का ए, महादेव चरण का। देखो बेटा बहुत सारे इसमें आंसर्स मुझे गलत लग रहे हैं। देखो डिक्शनरी के अनुसार मैं अगर देखूंगा तो मिडल में कौन सा आना चाहिए, तो भाई सभी नंबर मैंने देखे, सब सभी वर्ड देखे, तो सब में क्या है भाई? सी आर यू है। अब सी आर यू के बाद अगर मैं आऊंगा तो सबसे पहले पे क्या आ जाएगा? अगर चौथा इसमें डी है, यहां पर पी है, यहां पर आई है, यहां पर एस और एम है, तो भाई इनमें डी पी आई यू और एम में सबसे पहले क्या आता है बेटा? डी आता है, तो पहले नंबर पे तो आ जाएगा क्रूड, पहले पे तो आ जाएगा बेटा क्रूड, ठीक है। आ गई बात समझ? अब दूसरे नंबर की बात होगी, जो पहले जा चुका इसको तो हमने डिस्कस करना ही नहीं है, जो पहले गया इसको तो डिस्कस करना ही नहीं है। अब देखा मैंने सी आर यू, और अब ये जा चुका, इसके बाद मैंने फिर से देखा यहां पर आई आया है, यहां पर पी आया है, ये एस आया और एम आया। भाई इनमें आई पी एस और एम में सबसे पहले कौन सा आता है अपनी डिक्शनरी में, अपने लेटर्स में? आई आता है, तो भाई 2 नंबर पे आ जाएगा क्रूज। और 5 की अगर बात करता हूं, कितने टोटल नंबर दे रखे हैं भाई? 5 दे रखे हैं। मिडल की बात कर रहा तो 2 इधर से हटा दूंगा, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ इधर से हटा दूंगा, तो मिडल आ जाएगा, मिडल आ जाएगा। तो मुझे केवल कहां तक चेक करना है बेटा? थर्ड तक चेक करना है, तीसरा जो आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर मैं चेक करता हूं, आई मेरा हो चुका है, सी आर यू पी ये मेरा ऑप्शन में ही नहीं है, ऊपर तो मेरा ऑप्शन में ही नहीं दे रखा,
तो अब क्या रह गया भाई, इनमें क्या आएगा, क्रम एस और एम में सबसे पहले क्या आएगा, एम आएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, क्रम आंसर आ जाएगा मेरा डी भाई, आंसर आएगा डी। आ गई बात समझ, आंसर आ जाएगा डी। जिसका भी गलत था ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा ये तो जस्ट कट कॉपी पेस्ट है, आपको देख के करनी सारी चीजें, इसमें कुछ कोई फॉर्मूला आपको इसमें याद करना नहीं, कोई नई ट्रिक इसमें याद करनी नहीं, सीधा सीधा ही तो जाना है, आंसर आ जाएगा क्रम। ठीक है आगे चलता हूं, ये वाला करो फिर। ये वाला करके दिखाओ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है भाई, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, कंबल में बैठ के, ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ते रहिए बस। डी आ गया है, एक बंदे ने सी दिया है, एक ने बी दिया है, मतलब टोटल करने में गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन ही गलत हो रही है बेटा, क्या क्या कर पाऊंगा मैं ऐसे। मीरा कुमारी 78, अभिषेक पांडे ने 65 दिया है, ये कौन है, लाल संजीवन ने 78 दिया है, महादेव चरण ने मेरे भाई यहां पर 73 दिया है, इसका मतलब सबका आंसर एक नहीं आ रहा, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ओ को कितने पे लिख दिया भाई इसने, ओ पो लिख दिया 16 पे, और एफ ओ आर को लिख दिया इसने कौन से पे, 42 पे। लेकिन लॉजिक यहां पर देखना है कि एफ ओ आर कहां से आया 42, ओ वैसे एग्जैक्ट हमारा कितने पे होता है भाई, अगर मैं देखूं एफ कितने पे होता है भाई, 6 पे होता है, ओ 15 पे होता है, आर 18 पे होता है, ठीक है, और 15 को, वो अगर 15 पे होता और इसको लिख दिया, मतलब जो इसका ओरिजिनल नंबर था 15, उसमें एक ऐड करके लिख दिया तो 16 आ जाएगा, इस इनके जो ओरिजिनल नंबर थे सब में एक एक ऐड करता चला जाऊंगा, तो 6 का 7 15 और एक 16 18 एक 19, 19 और 16 35 और 7 कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, लॉजिक मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा भाई, फ्रंट पे करूंगा एफ आर ओ एन टी, एफ कितने पे, एक एक मैं बढ़ा के लिखूंगा, यहाँ 6 था तो यहाँ 7 आ जाएगा, ये 18 पे होता तो 19 आ जाएगा, इसका दे ही रखा है 16, एन 14 पे होता तो 15 लिख दूंगा, टी बेटा 20 पे होता तो 21 लिख दूंगा। अब देखो 7 और 6 13, 13 और 5 17, 17 और 1 18, लास्ट में 8 आएगा, आंसर मेरा आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी 78। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ, ये वाला करके दिखाओ। एक घड़ी घंटे क्वेश्चन बेटा थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, एक बना देता हूं इसको मैं, देखो ये आ जाएगा, यहां पर लिख दो मिनट और यहां कर दो घंटे, अब आपका आंसर निकाल देना, ये रिप्लेस कर देना आपस में, यहां कर दो मिनट और यहां कर दो घंटे, अब आपका आंसर आना चाहिए। सी आ गया है, देखते हैं भाई करके देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में मैंने अब ठीक कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, करके दिखाओ सी।
देखो ये क्या कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई 8:45 पर उत्तर पूर्व दिशा में एग्जैक्ट में कहाँ होगी भाई, जब 8:45 होंगे एग्जैक्ट में कहां पे होगी मुझे बताओ एक बार। देखो ये मैंने घड़ी बनाई, यहां पर बजे हैं 12, यहां पर बजे हैं 9, और ये है भाई 8 का टाइम, ये 3 और ये 6। 8:45 का टाइम होगा रवि कुमार, राम राम भाई राम राम। 8:45 का टाइम होगा तो भाई मिनट वाली सुई तो एग्जैक्ट 9 पे होगी जब 45 पे होगा, और 8 और 9 के बीच में क्या होगी, ये तो है भाई मिनट वाली सुई और ये है घंटे वाली सुई। तो इसने पूछा कि मिनट वाली सुई कौन सी डायरेक्शन में, भाई उत्तर पूर्व में है। तो उत्तर पूर्व कहाँ होती है बेटा, इधर तो होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ। तो ये आ जाएगा भाई नॉर्थ ईस्ट। एग्जैक्ट में तो है बेटा ये वेस्ट में, और वेस्ट से किधर आ गई मेरे भाई, वेस्ट से किधर आ गई, वेस्ट से किधर आ गई तो बताओ मुझे, वेस्ट से किधर आ गई, तो भाई वेस्ट से आ गई सर ये नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब कितने डिग्री चल गई, 90 और 45 मतलब 135 डिग्री ये किधर चल गई भाई, राइट साइड बोल दूं या क्लॉकवाइज बोल दूं, आ गई बात समझ। यहां से ये यहां ना होकर यहां पर आ गई तभी तो नॉर्थ ईस्ट में होगी। अब इसने पूछा कि 1:30 बजे घंटे वाली सुई कहाँ होगी, भाई 1:30 बजे होंगे तो घंटे वाली सुई तो होगी 1 पे, और मिनट वाली सुई होगी भाई 30 पे। अब 135 डिग्री इसको मैं चलाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये तो आ जाएगा 90, और 45 आंसर मेरा आ जाएगा, ये है घंटे वाली सुई। और बेटा ये है गुरुजी, आप ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ भाई, और ये आ जाएगा भाई मिनट, तो घंटे से मिनट पे आ जाएगी तो भाई क्या आ जाएगा। देखो दोबारा बता देता हूँ, 1:30 बजे वाले को दोबारा बता देता हूँ, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, 135 डिग्री वाला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया अब तो कुछ निकालना बाकी रहे नहीं। मोमिता बेटा हेलो, फीस कितनी भाई, ऑनलाइन में ही ले लो अभी एडमिशन, ऑफलाइन का भी पता नहीं क्लासेज कितनी चलेंगी। मेरा नंबर मैं लोगों को बता दूंगा, उस पे आप एक बार बात करके सारी चीजें वहां कर ले सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप आज और कल में जो खुशखबरी इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद आपको एक काम की, 1:30 बजे यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 3 है, और 1:30 बजा होगा तो यहाँ पर 1 पे अगर सुई यहां सी होगी घंटे वाली, और मिनट वाली सुई 6 पे होगी, ये घंटे वाली सुई होगी, ये मिनट वाली सुई होगी, तो ये वाली सुई अगर यहां ना होके, घंटे वाली यहां ना होके तो कितनी जाएगी बेटा, 135 डिग्री कितनी घूम जाएगी क्लॉकवाइज, तो बेटा आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ये 135 डिग्री यहां तक बैठेगा तो आंसर आ जाएगा मेरा साउथ, आंसर आ जाएगा साउथ। क्या कह रहे हो भाई अंशुल यादव। देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को बाद में करना, चलो ये और कर दो फिर यही बता दूंगा, ये वाला और कर दो, ये वाला और करके दिखा दो। नंबर दे दूंगा भाई, नंबर दे दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ आप, एक भी इस क्वेश्चन को एक बार कर लो। अशोक कुमावत बेटा आपका भी नाम ले दिया है, और अभी आंसर आना चाहिए आपका, सबसे पहले अभी आपका आंसर आना चाहिए। अशोक कुमावत आपका नाम मैंने ले दिया है मेरे भाई, और आंसर आना चाहिए आपका। रूपलाल मीना का आंसर आ गया है, अभिषेक पांडे बेटा आंसर चेक करो, आपका आंसर चेक करो, 44 जिसका आ रहा है भाई उसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, आंसर आ जाएगा इसका 45। सीधा सीधा तो क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में एक स्थान बाई तरफ से कौन सा है भाई, ये एक लाइन है बॉयज की, और एक स्थान इधर से मैं करता हूं तो यहां लिख दिया मैंने ए, और लेफ्ट साइड से कि कौन सा है भाई 20वां है, मैंने लिख दिया 20L लेफ्ट साइड से। बी का स्थान दाई तरफ से कौन सा है भाई, इधर से अगर मैं काउंट करता हूं तो बी का स्थान दाई तरफ से 16वां है, 16, और राइट लिख दिया मैंने, ठीक है। अशोक कुमावत बेटा आंसर गलत है। अब ये कह रहा है कि अपना स्थान बदलने पर, आपस में
अपना स्थान बदल लेते, इंटरचेंज देयर पोजिशन, इंटरचेंज देयर पोजिशन, ए बिकम्स 30th फ्रॉम, मतलब ए तो आ जाए बेटा यहां पर और बी आ जाए यहां पर, तो मुझे बताओ तो ए की पोजीशन क्या हो जाती है, तो ए की पोजीशन बेटा यहां से लेफ्ट साइड से कौन सी हो जाती है, 30वीं। तो बेटा जब आपको एक ही पोजीशन पता लग जाए लेफ्ट और राइट से, एक ही पोजीशन पता लग जाए लेफ्ट और राइट से, तो टोटल तो निकाल दोगे, टोटल क्या होता है बेटा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो लेफ्ट 30 है, राइट क्या है 16 है, माइनस एक करूंगा तो भाई 45 मेरा आंसर आ जाएगा, 45 मेरा आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ, आ गई बात समझ। देखो अब काम की बात, अन अकेडमी पे जिसके पास, एक तो मेरा नंबर नहीं है ना भाई, वो मेरा नंबर ले लीजिए, मैं लिख देता हूं, जिस भी भाई के पास या जिस भी बच्चे के पास मेरा नंबर नहीं है तो आप एक बार मेरा नंबर ले लीजिए, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स मेरे पास भेज सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कुछ भी पूछना है, तो बेटा आप मेरे से इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज भाई, अन अकेडमी के ऊपर अगर आप आज और कल अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेटा मेरा जो कोड यूज करेंगे उससे आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में, और आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको 40% का डिस्काउंट यहां से दिलवा दूंगा भाई, 40% का डिस्काउंट बेटा आपको यहां पर मिल जाएगा, और इस 40% के डिस्काउंट के लिए जो आज और कल में लेना चाह रहा है तो उसको इस नंबर पर एक बार मेरे पास मैसेज छोड़ देना भाई, 40% का डिस्काउंट बेटा समझ लो, आधी फीस के आसपास आपको बात मिल जाएगी, आधी फीस के आसपास, ठीक है। 10% यहां से मिल रहा है, 40% यहां से, तो बेटा 50% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, और फीस बहुत नॉमिनियल हो जाएगी। जिसको भी अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना एक बार मेरे से बात कर लीजिए, ठीक है। सर नीरज कुमार आज आया नहीं, मोमिता दास बेटा क्या कर सकते हैं, मोमिता बर्मन, ठीक है, नाम मुझे याद हो गए हैं सभी बच्चों के। तो जिसको यहां पर सब्सक्रिप्शन लेना है मेरे से बात कर लें, और 50% के अराउंड उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आज और कल के लिए भाई ये 24, आज 24 और 25 ये दो दिन ही है, जिसको 50% के अराउंड डिस्काउंट चाहिए एसएससी में या किसी और भी गोल में अगर आप लेते हैं तो भाई ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको मेरे से आज ही बात करनी पड़ेगी तभी मैं करवा पाऊंगा, ठीक है। आगे चलता हूं, आगे वाला क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ। नहीं भाई अभिषेक पांडे एसएससी के सब्सक्रिप्शन से आप केवल एसएससी का ही पढ़ सकते हैं। नलिनी प्रव नायक बेटा ओके। नैनाराम जंगू, विधु चौधरी सी, भाई ये कौन है विधु चौधरी, क्या लिखते हो आप, ओनली मैथ रीजनिंग का नहीं भाई, ये पूरा मिल जाएगा आपको, फीस इतनी ज्यादा नहीं है, 2 साल का आप ले लीजिए जिसमें आपका प्री मेंस और सीईटी हो जाए, मैं आपको आखिर में दिखा दूंगा अभी कितनी फीस है, और 31 तारीख से वैसे भी फीस इंक्रीज हो रही है, 31 तारीख से फीस भी बढ़ रही है अन अकेडमी के ऊपर, तो जितना जल्दी हो बेटा आप ले लीजिए अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन, जो लास्ट की स्लाइड होगी उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि फीस कितनी है, अभी रिसेंट में फीस कितनी है। ये वाला करके दिखाओ, नैना राम जंगू, संबित दास का आंसर आ गया एफ, एफ नहीं आएगा, डी आया है, रूपलाल मीना का एफ आया है। देखो चेक करते हैं, 2 मिनट और हैं आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए, ओनली 2 मिनट्स। न्यू ईयर के रिगार्डिंग आपको यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है, 50% के अराउंड का डिस्काउंट आपका हो जाएगा मेरे भाई। जयदेव कुमार सिंह बहुत अच्छे भाई, देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ई तथा एफ मध्य में है,
यहां पर कितने बंदे बैठे हैं बेटा? 6 बंदे बैठे हैं। ना मुझे ये पता कि किसका डायरेक्शन किधर है, तो भाई मैं क्या लूंगा? मान लेना हम हमेशा नॉर्थ ही लेंगे, लेने के हो तो मैं साउथ भी ले सकता हूं, लेकिन हम हमेशा नॉर्थ ही क्यों लेते हैं? कोई टीचर आपको ये बात बताएगा नहीं, मैं आपको ये बात बता देता हूं। क्योंकि बेटा जब इसका फेस ऊपर होगा ना, तो इसका लेफ्ट जो होगा वही आपका लेफ्ट होगा, इसका जो राइट होगा वही आपका राइट होगा, क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो आप लेफ्ट राइट में उलझ जाओगे। ठीक है, इसी वजह से नॉर्थ की तरफ लेते हैं। ए ई और एफ कहां बैठे हैं भाई? मध्य में बैठे हैं, तो ई और एफ यहां हो जाएंगे। यहां पर एफ भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। अभी तक मुझे नहीं पता किसका क्या बैठा है। ए और बी अंतिम छोर पर हैं, मैंने मान लिया ए इधर है और बी इधर है, और अब इसने बोला सी ए के बाई ओर है। अगर ए यहां है तो बेटा, अगर इसका ऊपर की तरफ फेस है तो बेटा बाया क्या आएगा? इधर आएगा, आएगा इसका लेफ्ट, और यहां पर तो कोई चेयर ही नहीं डाल रखी, तो बेटा ए यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा मुझे बताओ? ए वाली जगह पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? बी आ जाएगा, क्योंकि ए के बाई ओर सी बैठा है। यहां पर आ जाएगा बी, यहां पर आ जाएगा ए, और सी कौन है? ए के बाई ओर बैठा है। अब पोजीशन ही एक बच गई, पोजीशन क्या बच गई बेटा? डी की बच गई, और एक ही सीट बच गई, एक ही आदमी बच गया। अब इसने पूछा कि बी के दाई ओर कौन है? बी अगर यहां है तो बी के दाई ओर आंसर मेरा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, डी मेरा आंसर आ जाएगा। ये वाला करके दिखा दो फिर। ये वाला करके दिखाओ सभी बच्चे। देखो करना कैसे है। सम ड्रीम्स आर नाइट्स, कुछ सपने क्या हैं भाई? यहां पर मैंने मान लिया सपने। बेटा ये हमेशा मैं वेन डायग्राम से ही करता हूं, लेकिन होने को तो एक आपने आजकल चल रहा है भाई ट्रेंडिंग में 150 का भी एक आपने मेथड सुना होगा, 150। लेकिन इसके इसके को गलत बात क्या है 150 में? एक तो बेटा ये कई जगह आके अटक जाएगा ये वाला मेथड, यहां से मैं कई क्वेश्चंस का 100% आंसर नहीं निकाल सकता। ठीक है, दूसरी चीज इसमें बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, और वेन डायग्राम में तो बेटा आपकी आंखों से देखना है, आंखों से देखना है बस, याद कुछ नहीं करना है। ठीक है, आ गई बात समझ? तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से कीजिए। कुछ सपने क्या है बेटा? रात है। कुछ रात क्या है बेटा? दिन है। अब इसने निष्कर्ष क्या निकाला? सभी दिन या तो रात है या सपने हैं। दिन यहां भाई, और सपने के लिए दे दे, अगर यहां पर संभावना दे देता ना कि सभी दिन के या तो रात होंगी या दिन होने की संभावना है, अगर यहां होता संभावना का केस तो बेटा ये हो जाता ठीक, लेकिन यहां पर कोई पॉसिबिलिटी या संभावना नहीं दी है, तो बेटा इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं। दूसरा देखो, कुछ दिन रात है, मुझे आंखों से दिखाई दे रहा भाई जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? ये रात है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ओनली टू, ओनली टू फॉलोज। ठीक है, आ गई बात समझ? आगे चलूं? ये वाला कर दो फिर। इसमें मैं हिंदी में भाई वो टाइप नहीं कर पाया था, इंग्लिश में करके दिखा दो, हिंदी में टाइपिस्ट से टाइप नहीं हो पाया था ये वाला। इस वजह से मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया था। अजम्पशंस पे है भाई ये स्टेटमेंट और वो नहीं है, पिछले वाले में तो निष्कर्ष, ये अजम्पशन है, यहां देख लेना स्टेटमेंट और अजम्पशन, और सेशन को लाइक और शेयर करवा दो सभी बच्चों से, और जितना ज्यादा हो भाई जो मैंने डिस्काउंट की बात की है
जो आज और कल के लिए ही वैलिड रहेगी, वो आप जितना जल्दी फायदा उठाना चाहें ले लें। देखो इस टाइप का स्टेटमेंट और अजम्पशन का वैसे तो मैं ऐप के ऊपर करवाऊंगा ये वाला पूरा टॉपिक एक दिन, 1-1.5 घंटे का ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं आप लोगों के पास लिंक भेज दूंगा, मेरे पास आप लोगों का नंबर आ जाएगा, तो ऐप के ऊपर जो स्पेशल क्लास होगी मैं स्टेटमेंट और अजम्पशन की करवाऊंगा। ये कह रहा है कि नेवर बिफोर सच ए लूसिड बुक वॉज अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक। ये तो भाई इसने दे दी स्टेटमेंट की, मतलब इस टॉपिक के ऊपर ऐसी बुक पहले नहीं थी। मेरी पूर्व धारणा क्या होती है भाई, पूर्व धारणा, मुझे ये स्टेटमेंट जब तक पता ही नहीं थी तो इस पे मैं क्या बताऊंगा, पूर्व धारणा। ये कह रहा है कि सम अदर बुक वर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, ये आ जाएगा बेटा बिल्कुल सही। पूर्व धारणा मेरी क्या होगी कि क्या पता कोई बुक अवेलेबल हो, क्या पता कोई बुक अवेलेबल हो। और दूसरी चीज, यू कैन राइट लूसिड बुक्स ऑन वेरी फ्यू टॉपिक्स, ये तो बात ही गलत हो जाएगी, ये तो बात ही गलत हो जाएगी मेरे भाई, कि मैं केवल कुछ टॉपिक पे ही लूसिड क्यों लिख सकता हूं, क्या मैं सभी पे नहीं लिख सकता, क्या मैं सभी बुक्स पे नहीं लिख सकता। तो आंसर मेरा आ जाएगा इसका ओनली वन, आंसर इसका आ जाएगा ओनली वन। ठीक है, आ गई बात समझ, पूर्व धारणा इसमें बतानी थी। और पूर्व धारणा क्या होती है बेटा, जो मैंने बात पढ़ी उसके बारे में मैं पहले क्या सोचता था, ये वाला करके दिखाऊं। ये वाला करके दिखाओ भाई, आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। और ये वाला टॉपिक जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूं, शाम को 6 बजे क्लास होती है ब्लड रिलेशन की इसी चैनल के ऊपर, ब्लड रिलेशन की क्लास होती है इसी चैनल के ऊपर शाम को 6 बजे। नहीं भाई मैं क्या खाऊंगा, सुबह से तो क्लासों में लगा हुआ हूं, थोड़ा थोड़ा एनर्जी के लिए कुछ कुछ खाना भी पड़ता है ताकि मेरी जो बोलने की एनर्जी है वो एज इट इज बनी रहे। ब्लड रिलेशन के ऊपर क्लास होती है शाम को 6 बजे, जिसको ब्लड रिलेशन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप शाम को 6 बजे इसी चैनल के ऊपर क्लास ले सकते हैं। मदर आ गया, बी ऑप्शन भी दे दिया बेटा, और किसी बच्चे का आंसर अभी तक आया नहीं, आ जाना चाहिए सभी का आंसर। बी कैसे आएगा, नलिनी प्रवनायक, बेटा बी कैसे आ जाएगा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। और मैंने फिर रिपीट कर देता हूं एक बात को, जिसको भी ब्लड रिलेशन में दिक्कत है भाई 6 बजे जरूर आ जाएं, 6 PM ब्लड रिलेशन की क्लास हो रही है, एक क्लास कल हुई थी और उससे आगे हम आज इसको करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य, कितने बंदे हैं भाई, प्रकाश मेरे भाई, मैंने आप लोगों को मेरा नंबर बताया है 9-4-6-6-6, एक बार सभी बच्चे मेरा नंबर लिख लें। और जिसको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, सिलेक्शन कैसे लूँ सर, मैं क्या पढ़ूं जब एग्जाम सिर पे है,
मुझे क्या अब क्या पढ़ना चाहिए, मुझे ये सारी चीजें आती हैं लेकिन आगे के लिए मैं क्या पढूं, तो बेटा ये सारे डिस्कस आप मेरे पास इस नंबर पे भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो भी मेरे से हेल्प होगी वो मैं आप लोगों की करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे 2021 का जब दिसंबर आए उससे पहले अपनी जॉब ले जाएं। ठीक है, 2021 दिसंबर से पहले अपनी जॉब ले जाएं। इस क्वेश्चन को करता हूं, मेरा नंबर आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। देखो ये क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एफ एक परिवार के कितने सदस्य हैं बेटा, 6 सदस्य हैं। कितने हैं? 6 हैं, जिसमें दो विवाहित युग्म का मतलब होता है भाई कपल जिनकी आपस में शादी हो रखी है, डी ए की दादी है। तो भाई डी क्या है, ए की दादी, और मैंने क्या बताया था भाई, मेल के लिए लगाऊंगा मैं पॉजिटिव साइन और फीमेल के लिए लगाऊंगा मैं नेगेटिव साइन। तो डी क्या है भाई, दादी है तो क्या जाएगा, फीमेल आ जाएगा, और ए की दादी है तो मतलब डी का कोई बेटा या बेटी रहा होगा और यहां पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और इसने बोल दिया बी की माँ है, यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि मुझे 6 ही बंदे सेट करने हैं इसलिए मेरे पास लिमिटेशंस हैं। सी क्या है भाई, बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है भाई, सी है, तो बी क्या हो जाएगा, सी का पति हो जाएगा, और पति हमेशा क्या होता है बेटा, मेल होता है, और मेल के लिए क्या लगा दिया मैंने पॉजिटिव, और कपल को दिखाने के लिए मैंने क्या लगा दिया भाई, इस यू के निशान से मैंने जोड़ दिया, जैसे पंडित जी आपको जोड़ते हैं, जैसे पंडित जी जिन जोड़ते शादी में दूल्हा और दुल्हन को आपस में ऐसे फेरे के टाइम पे। आ गई बात समझ? अब ये कह रहा कि सी कौन है भाई, बी की पत्नी है तथा एवं एफ की माँ है, एफ की माँ है, एफ यहां पर आ जाएगा भाई, और एफ एफ क्या है बेटा, ई की पोती है, पोती के लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब बात रह गई कि भाई ई क्या है, जब मुझे पता है कि भाई इसने एक बात इसमें लिख के दी थी जिसमें विवाहित दो युग्म हैं, तो दो युग्म तो बेटा तभी होंगे ना, तो ई अगर यहां पर आ जाए, ई अगर यहां पर आ जाएगा तभी तो ये खेल पूरा बनेगा, तभी तो ये पूरे का पूरा बनेगा, और ये क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा। अब इसने मेरे से पूछ लिया हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए से क्या रिलेशन है बेटा, सी क्या है, ए की माँ है, सी क्या आ जाएगा बेटा, ए की मदर आ जाएगी। आ गई बात समझ? आ गई ये वाली बात समझ, हाँ या ना, ये वाली बात समझ में आई या नहीं मुझे बताइए। और आगे वाला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला करके दिखाओ, फिर सेम क्वेश्चन पे ही अगला आंसर देना है। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, ये वाला बता दो मुझे, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, सेम ही स्टेटमेंट है ऊपर वाली, तो टाइम मत लगाना इस पे ज्यादा। बताओ कितने हैं भाई, आंसर आना चाहिए भाई सभी का, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। मीरा कुमारी का आंसर आ गया है 2, और किसका क्या आंसर आया, नलिनी का आंसर आ गया है, ए एच बी म्यूजिक स्टार का भी आंसर क्या है, 3 आया है। देखो एच बी म्यूजिक स्टार का आंसर 3 आ गया है भाई, मुझे लग रहा है ये आंसर गलत है मेरे भाई, 3 मुझे ये आंसर गलत लग रहा है। जगुराम का, नैनाराम जगु का, देखो क्या कह रहा है ये, सेम अगर मैं डायग्राम बना दूंगा तो ऐसा बनेगा, डी क्या है भाई, ए की दादी है, यहां मेल आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा बी, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ए, और यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। ये वाला कुछ ऐसा इस टाइप का डायग्राम बनेगा, दिखाई तो दे रहा है ना सबको, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, यहां से बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी फोटो के पीछे जा रही है बहुत सारी बातें,
यहां पर क्या है भाई? डी है। यहां पर क्या है? ई है। बी है, बी। और ये आ जाएगा ई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पर सी नेगेटिव है, डी ए का मुझे पता ही नहीं क्या है, तो और एफ क्या है? नेगेटिव है। ओनली भाई आंसर आएगा मेरा यहां पर दो, क्योंकि बी और ई ही मेल है, बी और ई ही मेल है। फीमेल आपसे पूछ ले तो भाई आप आंसर दोगे डी, सी और एफ। क्या दोगे? तीन देंगे। ए जो बच गया भाई, इसका मुझे पता ही नहीं अभी तक जेंडर क्या है। ए का मुझे जेंडर अभी तक नहीं पता। ये दोनों हो, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, जो भी होगा भाई इसका मुझे जेंडर अभी तक नहीं पता। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा मेल मेंबर के लिए? दो। आ गई बात समझ? इसका मुझे जेंडर क्लियर ही नहीं है, तो मैं कैसे आंसर बता दूंगा इसका? आ गई ये वाली बात समझ? आगे चलता हूं, ये वाला करके दिखाओ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मैथ में भी आप इसको कर सकते हैं और रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आते हैं। सभी बच्चों का आंसर यहां पर आना चाहिए। यहां नहीं आएगा भाई, या तो कार या टीवी नहीं है यहां पर आएगा। नहीं, नहीं बताओ मुझे। डिडंट यू ओवन, नहीं आएगा। ध्यान से बताना भाई आंसर एक बार। नहीं आएगा यहां पर, देखो। और एनटीपीसी का जो एक पेपर होगा वो मैं पूरे का पूरा सोल्व करवाऊंगा भाई। आज मेरे पास पेपर आ जाएगा, जो बच्चे कल दे के आए थे उनमें से, वो मैं पूरे का पूरा कल सोल्व करवा दूंगा। तेईस तारीख से एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो गए हैं, और जो पेपर आया है वो मैं आपको एग्जैक्ट करवाऊंगा। देखो क्या कह रहा है कि 70% लोगों के पास क्या है? कार है, और 75% लोगों के पास टीवी है। यदि 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी और कार दोनों है, मैंने बना लिया भाई, ये तो है कार वाले और ये है भाई टीवी वाले। अब कह रहा है कि 55% लोगों के पास क्या है? 55% लोग जिनके पास ये दोनों क्या है भाई? 55% है। ये क्या है जिसपे कार और टीवी दोनों है, जो कॉमन एरिया आ गया है। यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 55%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, 70% लोगों के पास कार है। अगर मैं इस सर्कल को देखूं, अगर मैं इस सर्कल को देखूं, इस सर्कल को देखूं, तो इसमें 55% तो पहले ही आ चुका, और इसमें कितना आना चाहिए? कार कितने के पास है बेटा? 70 के पास है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 15% आ जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएगा? 15% ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके पास कार है। और अगर मैं दूसरे सर्कल को देखूं, इसको देखूं, अगर मैं दूसरे सर्कल को देखूं, तो क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 75% है। तो इस सर्कल में 55 पहले ही आ गया, तो 20 ये आ जाएगा। तो
टोटल आदमी कौन से होंगे भाई, 15 प्लस 55 और प्लस 20 आ जाएगा भाई 90% जिसके पास कुछ ना कुछ है। तो 100% में टोटल कितना होता है, 100 होता है, 90% के पास कुछ ना कुछ है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 10% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। एक तो आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो। दूसरा भाई क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, दूसरा आपको क्या करना है, ये जो दो ही डिजिट की बात करें, जब कार और लोगों के पास टीवी है और ये लिख दिया कि 55% दोनों कार रखते हैं, तो बेटा ये लिख दिया मैंने 70, ये लिख दिया 75, दोनों को मैंने इतना आ जाएगा 145, इसमें से मैं क्या हटा दूंगा, क्या घटा दूंगा भाई, जो यहां भी काउंट हो चुका और यहां भी काउंट हो चुका है। तो करना कितना था, दो बार काउंट, एक बार काउंट करना था, लेकिन मैंने काउंट कितनी बार कर लिया, दो बार काउंट कर लिया 55% को, इसमें भी कर लिया और इसमें भी कर लिया। तो आंसर मेरा क्या जाएगा, 145 में से 55 को करूंगा तो 90% ऐसे होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ है, 90% ऐसे होंगे जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो आंसर आ जाएगा मेरा 10%, आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है, 10 ऐसे आएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। आगे चलता हूं, ये वाला करके दिखा दो, ये वाला करके दिखा दो भाई, ये वाला। ए आ गया है, करके दिखाओ, करके दिखाओ फटाफट, 6-7 क्वेश्चन और रह गए आज के, उनको भी जितना जल्दी होगा कर लेंगे। आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। नलिनी का आंसर आ गया, एचबी म्यूजिक स्टार का भी, दो ही बंदों का अभी तक आंसर आया है, और आंसर मैं चाहता हूं सभी बच्चों का यहां पर आए। वीरेंद्र सिंह भाई हेलो हेलो हेलो, देखो क्या कह रहा है कि बाएं से, मुझे पता है कि ऊपर क्या दे रखे हैं भाई, अल्फाबेट दे रखे हैं, सारे लेटर्स दे रखे हैं, और लेफ्ट से अगर मैं काउंट करता हूं तो भाई लेफ्ट से 18th कौन सा होता है, मुझे बताओ लेफ्ट से 18th कौन सा होता है, बेटा आर होता है। और राइट से अगर मैं काउंट करता हूं तो भाई क्या आएगा, दसवां, राइट से कौन सा होता है दसवां, इसका मैं लेफ्ट से पोजीशन कैसे निकाल सकता हूं, 27 में से मैं इसको घटा दूंगा 10 को तो 17 हो जाएगी, और लेफ्ट से जो 17 होगा वो राइट से दसवां हो जाएगा, और लेफ्ट से 17 कौन सा होता है मेरे भाई, क्यू होता है, और इधर से आ जाएगा क्यू। और इसने पूछा कि इनके मध्य में कौन सा अक्षर है, बेटा कोई भी लेटर नहीं है, मध्य में कोई भी लेटर नहीं है, आंसर मेरा आ जाएगा ए। आप ऐसे गिन के भी कर सकते हो, लेकिन गिनने में बेटा आपका टाइम लग जाएगा, गिनने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ये याद होने चाहिए लेटर्स की जो नंबरिंग है बेटा आपको याद होनी चाहिए। ये वाला कर दो फिर, बहुत इजी क्वेश्चन है।
आंसर बताओ भाई आंसर। इसने बोला है कि ऐसा कौन सा एक इसमें से लेटर हटा दूं, एक सिंगल लेटर हटा दूं कि जो एक पूर्णतः नया शब्द बन जाए। और नया शब्द का मतलब होता है बेटा मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द आ जाए, मीनिंगफुल वर्ड आएगा ना वही शब्द माना जाएगा। ये मत देखना कि मैंने आर हटा दिया तो WAM सर एक शब्द तो बन गया, ऐसे नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इनमें से एम को हटा दूं सब में से, ये क्या बन जाएगा? इंक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? लैप बन जाएगा। लैप भी होता है भाई। इसमें से हटा दूं तो ये टी बन जाएगा, और एम हटा दूं तो वार बन जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा मेरे भाई? एम आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, डी। ठीक है, लैप कहाँ यूज होता है किसी को पता है क्या? लैप क्या होता है एक बार बताना मुझे, लैप क्या होता है? लैप लैप क्या हो जाएगा बताओ मुझे, लैप क्या होता है? आपकी इंग्लिश चेक कर लेता हूं, इंग्लिश चेक कर लेता हूं आपकी, लैप क्या होता है? लैप अरे वो लैंप नहीं, लैप से लैपटॉप बेटा, ये नहीं होता। लैप होता है बेटा जब आप देखते हो कार रेस, देखते हो आप कार रेस हुई या बाइक रेस हुई या आप मैराथन रेस देखते हो, 800 मीटर की जो दौड़ होती है ओलंपिक में, ये सारी चीजें जो होती हैं जिसमें भी बेटा लैप होता है। जैसे मान लीजिए 400 मीटर का एक ट्रैक हो गया, इस पे कार रेस चल रही है, उसने बोला कि सर ये 20 किलोमीटर चलेगी, और लैप ये चक्कर कितने का है भाई? चक्कर कितने का है? 20 किलोमीटर का मतलब 20,000 मीटर, और चक्कर कितने का? 400 मीटर का। इसको मैं कट कर दूंगा तो कितने आएंगे? 50 चक्कर। ये 50 क्या आएंगे बेटा? 50 लैप होंगे। इनको बोलते हैं भाई चक्कर, लैप का मतलब होता है। ठीक है सतीश रावत, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आ गई बात समझ? ये वाला करके दिखाओ फिर। बताओ भाई बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन ए देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि भाई जो ट्रायंगल है वो साइकिल वालों को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल कर रहा है भाई आदमियों को, और रेक्टेंगल कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट को। इसने पूछा कि ऐसे लेटर जो मैन कौन से हैं जो साइकिलिस्ट नहीं है भाई, तो रेक्टेंगल का तो खेल ही खत्म हो जाएगा, रेक्टेंगल में जो आएंगे। अक्षरों का कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है? देखो कैसे करना है, अब साइक ट्रायंगल वाले खेल खत्म कर देने हैं बस। क्या आ जाएगा? एक तो बी आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा। जो ट्रायंगल में नहीं है जो है ना भाई, उनको हटा दो बस। ट्रायंगल में है उनको हटा दो, और जो सर्कल में है वो मुझे काउंट कर लेने। आंसर ए आ जाएगा मेरा, बी सी डी।
ठीक है आगे चलता हूं, ये वाला करके दिखा दो फिर। मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। करके दिखाओ भाई करके दिखाओ। आ गई बात समझ? किसी का भी आंसर नहीं आया, इतना टाइम दे दिया, देखो क्या करूंगा। 45, 12 और 29, 11 और 2, 31 और 4। इसमें बेटा दो टाइप से ऑपरेशन लगता है, या तो लगेगा रो के ऊपर, या तो ऐसे लगेगा 45, 11, 31 इस टाइप से, या लगेगा बेटा कॉलम के ऊपर नीचे की तरफ, या लगेगा बेटा ऐसे। अब मुझे प्रिडिक्ट करना इसमें करना कैसे है, देखो 45, 12 और 29 अगर मैं कॉलम को ध्यान से देखूंगा, कॉलम को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 45 को लिख दूं मैं 4 का स्क्वेयर प्लस में 5 का स्क्वेयर, तो ये कितना आ जाएगा, 45 को मैंने तोड़ के लिख दिया 4 का स्क्वेयर प्लस में 5 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25 और इसको मैंने ऐड कर दिया 41, और इसमें से मैंने इस 12 को माइनस कर दिया, इसको क्या कर दिया भाई 12 को माइनस कर दिया, मेरा क्या आ जाएगा 29। बात समझ में आई? 11 वाला करके देखो क्या किया मैंने, एक 11 को लिख दिया 1 का स्क्वेयर, फिर लिख दिया 1 का स्क्वेयर और माइनस में लिख दिया मेरे भाई, यहां पर क्या किया 0 करूंगा 0, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएंगे मेरे भाई 1 प्लस 1 माइनस 0 2, मेरा यहां से आ जाएगा एग्जैक्ट 2 आ गया। अब क्या करूंगा 31 को लिख दूंगा 3 का स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर और माइनस में क्या करूंगा 4 करूंगा, ये क्या आ जाएगा 9, और 9 में से और एक इसको ऐड कर दूंगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, आंसर मेरा आ जाएगा 6।
आंसर आ जाएगा डी। आ गई बात समझ? ये वाला कर दो फिर, ये वाला करके दिखा दो, ये तो बहुत इजी है। छह सौ पच्चीस, कैसे आएगा? तीन और दो को क्या लिख दिया भाई? तीन और दो के आगे 25 लिखा है, 15 और 6 लिखा तो 441, 10 और 7 लिखा 289। तो क्या किया बेटा? स्क्वेयर कर दिया। तीन और दो क्या आ जाएगा? 5, और 5 का स्क्वेयर मैं कर दूंगा 25। 15 और जमा 6 कितना आ जाएगा? 21, और 21 का अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगा तो 441। 10 जमा 7 कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17 का स्क्वेयर करूंगा 289। और 13 जमा 12 आ जाएगा, 12 का ये क्या आ जाएगा? 25, और 25 का स्क्वेयर करूंगा तो भाई 625 मेरा आंसर आ जाएगा। अशोक कुमावत गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलो। अरे 124 कहाँ गया? आज डाला नहीं क्या मैंने? ओ हो, गलती होगी भाई टाइपिस्ट से। 123 के बाद डायरेक्ट 125 डाल दिया, 124 वाला डालना ही भूल गया। कोई बात नहीं, चलो ये कर दो, 125 कर दो। बी नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल सही। नलिनी का आंसर बिल्कुल सही आंसर आएगा इसका, ए। आंसर आ जाएगा इसका ए भाई। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को भाई, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस जितनी करते रहोगे। अगर देखो इसने क्या किया है भाई, यहां पर इसने साइन लगाया ये वाला, यहां पर इसने साइन लगाया ये वाला, और यहां पर, अब यहां पर सीधी सी बात है बेटा, क्या आएगा? कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसमें लाइंस चार, मतलब चार होंगी, लाइंस चार होंगी। तो बेटा एक तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये वाला साइन पहले आ ही चुका है तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब साइन बच गए बेटा दो, लेकिन किसी भी लाइन पे ध्यान से देखना, ये एज इट इज, ये वाला तो एज इट इज, बी और डी तो सेम साइन है, बस टेढ़ा करके लिखा है। ये साइन केवल ऐसा ही है, जो बी और डी का साइन ऐसा ही है, एक में तो ऐसे रख दिया और एक में बेटा ऐसे रख दिया है, बात वही है। तो आंसर मेरे भाई इसका आ जाएगा ए। सीईटी का एग्जाम कब होता है बेटा? 2021 में पहली बार, जिंदगी में पहली बार सीईटी का एग्जाम होगा। जितेंद्र पंडित गुड इवनिंग। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा मेरे भाई ए। बाकी इसको आप कर सकते हो वैसे रोटेट करके भी, एक तरीका और भी इसका, देखो इसको और कैसे कर सकते हो। साइन वही है, साइन वही है। देखो इसमें प्लस आ गया, ये आ गया और ये आ गया, यहां पर प्लस था, यहां प्लस आ गया, और सिंगल वाला ये आ गया, केवल ये वाला साइन बच गया था। ठीक है, कैसे भी समझ कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं मेरे भाई इसके। देखो ये ऐसे बन जाएगा, इसमें तीन ही तो साइन है, एक ये वाला है। कौन से दो तीन तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। ये वाला साइन है, एक साइन भाई इसमें ये वाला है, एक साइन मेरे भाई इसमें ये वाला है। अब देखो इस लाइन में अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, यहां तक इसमें ये तीनों साइन आ गए। अब क्या किया, ये वाला साइन आ गया ऊपर, एक ये वाला साइन आ गया, फिर से प्लस वाला, तीसरा
तीसरे में जाऊंगा तो प्लस वाला भी मिल गया, डबल वाला भी मिल गया, अब यही साइन बाकी है। आ गई बात समझ, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कैसे भी इन चीजों को आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी ना भाई क्वेश्चन करते करते, तो आप कई तरीकों से एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओहो 25 क्वेश्चन ही दिए, और देख इसी वजह से वो 24 वाला क्वेश्चन देना भूल गया मेरे हिसाब से। देखो काम की बात, साढ़े एक बात और, 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे एग्जैक्ट 6 PM क्लास रहेगी बेटा ब्लड रिलेशन की। जो कल आए थे बेटा आज पक्का आना है, उससे आगे भी पढ़ेंगे, और जो आज कल नहीं आए थे वो भी पक्का आना, क्योंकि बेसिक से मैं कुछ बातें होंगी वो मैं बता दूंगा एक बार, ठीक है। और मैंने एक बात, मेरा नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए डाउट वगैरह के लिए, और सब्सक्रिप्शन के अगर बारे में कुछ भी पूछना है। मैंने आप लोगों के क्या बताई थी, एक ऑफर आया है आज ही, तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मेरे पास एक बार इस नंबर पे बात कर लेना, 10% डिस्काउंट तो आपको कोड से मिल जाएगा, और 40% डिस्काउंट मैं आपको दिलवा दूंगा भाई, जिसको भी आज और कल, ये 2 दिन के लिए वैलिड है, 24 और 25 दिसंबर के लिए ही वैलिड है। जो 2 दिन में अगर कोर्स लेना चाहता है अनअकैडमी के ऊपर, सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो एक बार मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे, ये जो 40% डिस्काउंट है ये मैं आपको आज और कल ही दिलवा सकता हूं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर 6 बजे एग्जैक्ट 6 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होती है, और मेरा ये कोड मत भूलना SPSUBH10। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, 6 बजे मिलते हैं ब्लड रिलेशन के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।